मम्मी क्या दाल चावल बनाती हैं, मजा आ जाता है, पेट भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरती। जानती हूँ, मेरे बेटे को दाल चावल बहुत पसंद है, इसीलिए तो बनाया है मैंने। पेट भर कर खाओ, जितना दिल चाहे उतने खाओ। मम्मी वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था ना, तो इंटरव्यू कॉल आ गई है, कल जाना है। हाँ शाला, मैं तो रात दिन अपने बेटे के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को अच्छी सी नौकरी दिला दे। बेटा तुम्हारे बाबा की छोड़ी हुई दो दुकानों से जो किराया आता है उससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता है हमारा। शुक्रिया अल्लाह का, इज्जत से सब चल रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बेटा अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। अगर ये तुम्हारी आंखों का मसला नहीं होता तो इतनी परेशानी कभी नहीं होती मुझे। अम्मी क्या आपको अपने बेटे की सलाहियतों पे भरोसा नहीं है क्या? है भरोसा बेटा, माशाल्लाह से मेरा बेटा बहुत काबिल है। अम्मी भूल जाएं इस कमजोरी को, मेरे नजदीक ये कमजोरी कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, मुझे नौकरी मिल जाएगी। आपको पता है ऑनलाइन चैनल है मेरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास, लेक्चर देता हूँ ऑनलाइन और आधे घंटे में प्रेजेंटेशन का टाइम भी होने वाला है। माशाल्लाह, मेरे बेटे को अल्लाह मजीद तरक्की दे और ढेर सारी इज्जत से नवाज। लेकिन बेटा ये जो पुरस्रार उलूम की तरफ तुम चल पड़े हो, इसका सोच सोच कर मेरी जान सूली पर टंगी रहती है कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो ना जाए। अम्मी जिस वजह से मेरी जिंदगी के अंधेरों को मैं भूल गया, जिसने मुझे खुद से मिलवाया है उससे ना रुके मुझे अपने अंदर की सलाहियतें समझ चुका। और आप क्यों परेशान होती हैं? आप तो माँ हैं, दुआ कीजिए मेरे लिए, माँ की दुआ में बड़ा असर होता है। मेरी दुआएं हमेशा अपनी बेटी के साथ हैं, मैं तो हर वक्त यही दुआ करती हूँ अपने रब से, मेरा रब मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह मैंने खीर भी बनाई है, वो तो लाना ही भूल गई, अभी लेकर आ रही। भूखों से ये चिराग बुझने वाला नहीं, कर लो जो करना है कर लो।